क्लियर आपके पास मतलब तुरंत ही समझिए थोड़े ही समय में आपके पास पहुंच जाएगी। तो यदि आपको कहीं ऐसा लगता है, आप कहीं असुरक्षित महसूस करती है, तो सबसे पहले आप 112 मिलाइए, ठीक है। इसके अलावा हमारी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही है, हेल्पलाइन नंबर से तो लगभग सब जान ही गए होंगे, लेकिन महिलाओं से रिलेटेड बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, मातृवंदना योजना है। आप लोगों को बुकलेट मिली होगी, उसमें देखिए प्रदेश में लिखा होगा लास्ट पेज पे, देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के बारे में सभी जान रहे होंगे, आप लोग तो लड़कियां, लेकिन आपके घर की जो माताएं होंगी वो अच्छे से जानती होंगी कि उज्ज्वला योजना क्यों मिला था, क्योंकि उनको स्वच्छ ईंधन के लिए, वो लकड़ियों पे खाना बनाती थी, उससे उनके फेफड़े आंत वगैरह कमजोर हो सकते थे, तो इसलिए उन्होंने सिलेंडर देने की योजना बनाई, जिसमें क्या बोलते हैं महिलाओं को स्वच्छ ईंधन को दिया। इसके थ्रू वो क्या कर सकती है, उनकी आंत सुरक्षित रह सकती है, उनकी हेल्थ अभियान चला रही है, ये 5वां चरण है जो अभी चल रहा है। इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं कि अब हमारी जो बेटियां हैं और माताएं हैं बहनें हैं वो पहले से ज़्यादा जागरूक हुई हैं, निर्भीक हुई हैं, सशक्त हुई हैं और खुलकर अपनी बात कह रही हैं, ठीक है ना। चुप्पी तोड़ो मुंह तो खोलो, तो यानी कोई चीज़ सहन नहीं करना है। कोई एट्रोसिटी अगर किसी हमारी बेटी के साथ हो रही है, बहनों के साथ हो रही है, तो पहले लोक लाज की वजह से लोग मुंहता के लिए, स्पष्ट वारिता के लिए, और जिसको कहना होगा वो जिसको जो कहना हो कहे, उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी परवाह नहीं है, ठीक है ना। बल्कि ऐसे ही लोग बेनकाब हो रहे हैं और पर्दे के पीछे जा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, या समाज से उनको कह सकते हैं कि बहुत ही नकारात्मक उनको एक फीडबैक मिल रहा है कि नहीं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों की भर्त्सना होनी चाहिए। तो अपनी बात कहने में बिल्कुल निर्भीक होना है, स्पष्टवादी होना है और पूरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान से अपनी बात करनी है, चाहे कहीं भी एक ऐसी चीजें हो। लड़कियों के साथ जो एट्रोसिटी है वो परिवार से ही शुरू हो जाता है। अब विनय प्रकाश सिंह जो साइबर थाने के प्रभारी हैं, वो थोड़ा सा संक्षेप में जो साइबर क्राइम है और साइबर में क्या क्या डूज डोंट्स हैं, क्या एहतियात रखना चाहिए कि साइबर फ्रॉड के ट्रैप में न फंसे, इसके बारे में थोड़ा बच्चों को गाइड करें। आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए और अगर वहाँ नहीं जा पा रहे तो आप हमारे साइबर क्राइम थाने और उसकी शिकायत दर्ज कराइए। आप बिल्कुल किसी को पैसे मत दीजिए और बिल्कुल भी मत घबराइए, ठीक है, क्योंकि वो आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल आपको डरा सकते हैं।